हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेन। नमस्कार, पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के टॉपिक है हेरान टीपी। जी हां, भारत जैसे ही एमटीसीआर का सदस्य बना, वैसे ही उसको इस तरह की ड्रोन खरीदने का अधिकार मिल गया। हेरान टीपी एक इजरायली ड्रोन है। इजरायल में इसे ईटीएन के नाम से जानते हैं। 2015 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे, तो उन्होंने 10 ड्रोन खरीदने की डील की थी लगभग 400 मिलियन डॉलर में। तब की यह डील वायुसेना के लिए की गई थी और अब स्थल सेना के लिए 2017 में भी डील की जा चुकी है। आइए जानते हैं हेरान टीपी ड्रोन की क्या खासियत है। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय भारत और चालबाज चाइना के बीच में बेहद तनाव बना हुआ है और इस तनाव का कारण है LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसकी दूरी लगभग 3500 किलोमीटर है। ये इतना दुर्गम है, इतने पहाड़ी में उबड़ खाबड़ स्थल से घिरा हुआ है कि दूरबीन से इसकी निगरानी संभव नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए हेरान टीपी ड्रोन हमारे देश में इजराइल से लाया गया। यह ड्रोन बेहद अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है, जिसे इजराइल के IAI कंपनी ने बनाई है। इस ड्रोन की तुलना हम अमेरिका के प्रीडेटर या रीपर ड्रोन से कर सकते हैं, जो बहुत पावरफुल होता है। इस ड्रोन में इस तरह के सेंसर लगाए गए हैं कि यह जमीन से 30,000 फीट ऊंचाई पर भी जाकर के यह बारीक पहाड़ों के बीच की निगरानी कर सकता है, एक तरह से जासूसी कर सकता है। ये मानव रहित ड्रोन है, इसमें आदमी तो बैठते नहीं, सेना तो होता नहीं। इसलिए इस ड्रोन की एक और खासियत है कि यह अपने साथ मिसाइल भी ले जा सकता है। तकरीबन 250 किलो तक के मिसाइल इसमें लॉन्च किए जा सकते हैं और 30,000 फीट की ऊंचाई से यह ड्रोन बारीक जासूसी जमीन पर न केवल करता है, बल्कि अपने मिसाइल से सही निशाने को भेदने में भी सक्षम है। यह बेहद खतरनाक और बेहद सेंसिटिव सेंसर से लैस हेरान टीपी एक साथ लगभग 30 घंटे तक लगातार उड़ने की क्षमता रखता है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि जिसे सामान्य तकनीकी से हम जिस चीज की जासूसी नहीं कर सकते, उन सभी चीजों की जासूसी हेरान टीपी ड्रोन से संभव हो गया है। गलवान घाटी में चालबाज चीन के द्वारा जितने कैंप लगाए गए और जहां जहां सैनिकों को बैठाया गया, उन सब की बारीक जासूसी इसी ड्रोन के माध्यम से भारत सरकार करने लगी है। और आज LAC पर इस ड्रोन को लगाए जाने से चिंदी चोर चाइना और पाकिस्तान बेहद घबराए हुए हैं। कारण ये कि इस ड्रोन से उनकी किसी भी गतिविधि की पल पल की जानकारी भारत सरकार को मिलती जा रही है। यदि दिल्ली से इस ड्रोन को छोड़ा जाए तो मात्र 30 मिनट के अंदर यह LAC के निगरानी पर तैनात हो जाता है। तो यह एक मानव रहित मिसाइल से लैस हेरान टीपी ड्रोन भारत के लिए वरदान है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।